डूबना, डूबते किस में है, पानी में डूबते हैं, और पानी में कब डूबेंगे, जब ज्यादा पानी होगा, गहरा पानी होगा, कहीं कोई नदी होगा, कहीं नाली होगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं सुनामी आ जाएगी, वहीं पर तो डूबेंगे। और डूबेगा कौन, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो डूबेगा, या वो डूबेगा जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, ओवर कॉन्फिडेंस, वो डूबेगा। तो ड्राउनिंग के अंदर जब कोई व्यक्ति डूब जाता है, उसको निकालते कौन है, कोई भी व्यक्ति, कहते हैं ना डूबते को तिनका का सहारा। यदि आपने उस समय रस्सी फेंक दी और उसने रस्सी को पकड़ लिया और वो रस्सी आपने खींच ली, तो क्या होगा, उसका जीवन बच जाएगा। आपके पास उस समय कोई ट्यूब है, साइकिल की ट्यूब फूली हुई जिसमें हवा भरी हुई, या आपको कोई भी किसी प्रकार जो बैलगाड़ी के अंदर ट्यूब लगती है, या मोटरसाइकिल साइकिल के अंदर ट्यूब लगती है जिसमें हवा भरी हो, यदि वो ट्यूब आपने फेंक दी, उससे भी बच जाएगा। लाइफ बॉय, एक लाइफ जैकेट होती है, एक लाइफ बॉय होता है, डूब ही वो व्यक्ति को यदि वो पकड़ लेगा तो बच जाएगा। यदि आपने उस व्यक्ति को बचा लिया, निकाल लिया, तो उसके पेट में तो पानी भर चुका है ना, जो पानी में गया है नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से उसमें पानी भर चुका है। अब उस पानी को निकालना है, तो पानी निकालने के लिए पहले समय पर यदि आपने देखा हो, पुलिया हुआ करते थे, और पुलिया पर उस व्यक्ति को, जैसे ये पुलिया पुलिया है, और इस व्यक्ति को ऐसे लिटा लिया जाता था, ऐसे ऐसे होता था, उसको यहां से प्रेस कर देते थे, तो पेट उसका पिचकता था, और पेट पिचकता था तो पेट का पानी मुंह के रास्ते से बाहर आ जाता है। अब यदि पुलिया नहीं है तो आप बैठ जाते हैं, बैठने के बाद इस घुटने पर उस कैजुअलिटी को लिटा लेते हैं, तो मुंह एक तरफ होता है, एक तरफ पीठ होती है, तो उसको हम प्रेस करते हैं, और प्रेस करके फिर मुंह के रास्ते से पानी निकल जाता है। पानी निकलने के बाद में जब उसके अंदर का पानी निकल गया है, कैजुअलिटी को लिटा लेते हैं, लिटाने के बाद जीभ को सीधा करते हैं, मुंह को खोलते हैं, जीभ को सीधा करते हैं, जो उस मुंह में कीचड़ भरी होती है उस कीचड़ को साफ करते हैं, अपने रुमाल से साफ करते हैं, कागज से साफ करते हैं, और जब मुंह खुल जाता है, उस मुंह में कुछ भी नहीं है, दांत टूटे हुए हैं वो भी आपने निकाल दिए, बनावटी दांत लगा रखे थे वो फंसे हुए थे वो भी आपने निकाल दिए, अब उसको क्योंकि सांस तो ले नहीं रहा, उसका तो डैमेज हो चुका है सिस्टम, अब सांस लाने के लिए CPR देते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। CPR देने के लिए उसके एजेंट को धरातल जमीन पर लिटा देते हैं, और बैठ करके उसका चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद उसकी सांस वापस आ जाती है। सांस वापस आने के बाद में उसको कंबल से लपेट देते हैं, और किसी भी नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं, या सीनियर जो भी डॉक्टर होता है, प्रोफेशनल डॉक्टर, उससे कंसल्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से उसकी जान को हम बचा लेते हैं। ड्राउनिंग, डूबने में उसको उसमें से पानी में से कैसे निकालना है, पानी में से निकालने के बाद उसके अंदर भरे पानी को कैसे बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद मुंह में भरी हुई कीचड़ है उसको कैसे निकालना है, और उसके बाद CPR देकर के उसको पुनर्जीवन कैसे करना है, राइट।